नमस्कार, वीएमए भारत टीवी में आपका बहुत स्वागत है। मैं प्रियंका शर्मा। चलते एक खास खबर की ओर। देश में कोरोना वायरस को लेकर के जहां डर की स्थिति बनी हुई है, वहीं फर्जी बाबा भी इस बीमारी को लेकर तरह तरह के इलाज करने का दावा कर रहे हैं। जी हां, ये ताजा मामला वाराणसी का है, जहां एक पोस्टर सामने आया है जिसमें कोरोना वायरस को मंत्रों से ठीक करने का दावा किया जा रहा है। पोस्टर छपवाने वाले बाबा को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। मामला वाराणसी के सत्यम नगर कॉलोनी में रहने वाले संजय तिवारी नाम के ज्योतिषाचार्य का है, जिसने दावा किया है कि वह मंत्रों के जरिए कोरोना वायरस का इलाज कर सकता है। यही नहीं, उसका दावा यह है कि यदि किसी को कोरोना वायरस नहीं भी हुआ है तो उसे इन मंत्रों से बीमारी नहीं होगी। अपने इस फर्जी दावे को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाने के लिए इस फर्जी बाबा ने बकायदा पोस्टर भी छपवाया, जिसे बनारस के कई इलाकों में इसको वितरित भी कर दिया गया। फर्जी बाबा अपने इस फर्जी व्यापार को बकायदा वैदिक साधना केंद्र व नशा मुक्ति केंद्र के नाम से चलाता आ रहा है। यहां वह रत्नों और मंत्रों से इलाज करने का दावा करता नजर आ रहा है। मीडिया टीम ने जब फर्जी बाबा संजय तिवारी से बात की तो उसने कहा कि मैं मंत्रों से इलाज करता हूं और बकायदा उसका रुपया भी लेता हूं। बता दें, फर्जी बाबा कोरोना वायरस के मंत्र के लिए प्रत्येक व्यक्ति से 500 रुपए चार्ज भी लेता है। खास खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खास खबरों को जानने के लिए बने रही वीएमए भारत टीवी के साथ। नमस्कार।